चलिए, आ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कॉस्ट ऑफ द 15 रुपीज एंड द रियलाइज द 20 रुपीज आफ्टर द 10 ईयर्स। तो प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, 10 साल भी दे दिया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व व्हेन इट इज द एडिड द ईयरली। तो ईयरली पर एनम के अकॉर्डिंग निकालना है आपको एंड कॉन्ट्रेसली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एनुअली भी निकालना है और दोनों दोनों तरीके से निकालना। एनुअल वाले का तो आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने कि क्या आएगा। करें आप पहले एंटीलॉग। आज था लास्ट क्लास में, आप देखिएगा एक बार उसको। मैंने एंटीलॉग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि एंटीलॉग में आपको क्या करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे ही एंटीलॉग का टेबल अलग होगा। लॉग टेबल जो होता है, एक होता है आपका एंटीलॉग टेबल होता है, कुछ इस तरीके से रहता है आपका एंटीलॉग। आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, उस कंटेंट को पीडीएफ निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कभी भी आप क्वेश्चन करो ना इस मैथमेटिक्स टू फाइनेंस, ये शीट अपने हाथ में रख के करना, नहीं तो आपको बड़ी डिस्टर्बेंस होगी सवाल को सॉल्व करने में। तो एंटीलॉग के बारे में, जैसे एंटीलॉग मुझे निकालना था यहाँ पर 4.1767 का। तो यहाँ पर मैं किस पे गया, मैं 4776 पे चला गया, सॉरी 4176 पे चला गया था। तो एंटीलॉग टेबल में 4176, तो 41 पे 7 गया, 41 पे 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरीके से गया एंटीलॉग में। और उसके बाद यहां पर देखा मैंने कि 26 12, और उसके बाद कौन सा टेबल लेना है मुझे, 6 छठा नंबर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 मैंने फिर इस पे ऐड कर दिया। क्लियर है जी। और उस तरीके से इसको मैंने यहां पर इसको फिर ऐड करके वैल्यू इसकी मैंने फाइंड कर ली। पॉइंट होता है कितने के बाद, तो यहां पर कितने के बाद पॉइंट है, एक डिजिट का पॉइंट है, तो अब आगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। यहां जो नंबर लिखा हुआ है उससे नेक्स्ट डिजिट का आपका पॉइंट आएगा। कितना है आपके पास में, 4 है, तो इसमें एक ऐड कर दो, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या है, दो सवाल पूछा है। एक तो आप ईयरली बेस पे, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, और एक कॉन्टिन्यूसली बेस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। दोनों का मेथड आपका अलग अलग होगा। करें जरा, नहीं वहां पर ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, मेरे सिलेबस में है ही नहीं आपके। करिए जरा इस क्वेश्चन को।
डन। चलिए देखिए जरा, देखिए बच्चे, एक तो आपसे क्या कह रहा है, एनुअली एनुअली ईयरली, मतलब किसमें, तो सीधी सी बात है कि पहले आपको इंफॉर्मेशन क्या है, आज सेविंग प्रिंसिपल सबसे पहले आपके पास में क्या है 15, अमाउंट आपके पास में क्या है 20, और टाइम के आपके पास में 10 साल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ईयरली। इसमें आपका क्या फॉर्मूला लगता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n। ध्यान रखिएगा जो हमें लास्ट क्लास में पढ़ाया है, लास्ट क्लास तक पढ़ाया हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहां पर, s अमाउंट आपके पास में है ना, क्या है 20 है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास में 15 है, 1 + रेट, रेट क्या है बच्चे हमारे पास में हमें पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है, अपॉन 100। और एन क्या है, अगर ईयरली है और आप 10 साल के लिए पैसा ले रहे हो तो 10 बार ही दोगे ब्याज, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये 15 डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पर हमारा 4/3 हो जाएगा। इक्वल्स टू सॉल्व करोगे अगर आप, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या रहेगा, 1 + r/100 रेस टू पावर 10। क्लियर है जी। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि बोथ साइड लॉग ले सकते हैं, बोथ साइड लॉग ले लो आप, लॉग ले गो लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग पहले ले लो आप 4/3 ये है, और इक्वल्स टू लॉग क्या था आपके पास में, 1 + r/100 ये है आपके पास में। क्लियर है जी, समझे। सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जब डिवाइड का केस हो, डिवाइड के केस में हमेशा ध्यान रखना कि मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस है, लॉग ए अपॉन बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, बस ये दो ही बात ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है, तो देखिएगा क्या होगा, लॉग 4 - log 3 इक्वल्स टू log 1 + अब log यहां पर भी आएगा ना मल्टी, इसको भी तो करेगा, क्लियर है, log हेलो आ रही आवाज। देखो नहीं तो अपन एक काम कर लिया करो कि इसको आप आई बोल देते हैं, इसको इसको r/100 ही बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, आई, मतलब जो डेसिमल में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई बोलते हैं, ठीक है। मैं बहुत साइड क्या कर रहा हूं, लॉग
लॉग 4/3 इक्वल्स टू, यहां पे लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, एंड लॉग 1+i। ठीक है जी, अब यहां पर क्या लिखोगे आप, लॉग 4 माइनस लॉग 3, क्योंकि ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और अपॉन 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, लॉग 1+i। कोई बात नहीं, एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे। अब लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं फिर इरेज भी कर दूंगा साथ साथ। लॉग 4 आपको बताया था मैंने, लॉग टेबल में वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट 3 डिजिट होना चाहिए आपके पास में, नहीं है तो पॉइंट लगा करके 3 डिजिट में आप इसको ऐसे बनाइएगा। तो 40 पे 0 देखना है आपको, तो 40 पे 0 देखना है लॉग टेबल में, लॉग टेबल में आपको 40 पे 0 देखना है। तो यहां पर तो आपके पास में 40 पे 0 जीरो तो क्या है आपके पास में, 6021 आएगा 40 पे, अगर आप 0 देखोगे तो लॉग टेबल में। क्लियर है, अब कितना पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट, तो आपका यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो अब 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.1। तो क्या कि आपके पास वैल्यू आ गया 0.621, 0.621। ये क्लियर है या नहीं है बताइए पहले आप, क्लियर है तो समझ गए। तो इसी तरीके से यहां पर मैं क्या करूंगा, 0.621 ये वैल्यू लूंगा, और माइनस लॉग 3 की वैल्यू भी लूंगा, तो मैं 0. ये 30 पे 0 देख लेता हूं मैं, लॉग में 30 पे 0 0.4771 क्लियर है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू लॉग 1+i। क्लियर है जी, सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर से, 0.6021 माइनस 0.4771 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आया आपका बच्चे, आपका आया 0.0125 इक्वल्स टू लॉग 1+i। अब मैं मुझे यहां पे लॉग, क्योंकि आई निकालना है तो पहले मुझे लॉग लेकर आना पड़ेगा, तो क्या लिख रहे इसको लिखेंगे, एंटी लॉग 0.0125 इक्वल्स टू 1+i। अब एंटी लॉग की वैल्यू क्या होगी, तो एंटी लॉग किस पे देखना है आपको, 0.1 पे, 0.125 पे देखना है आपको एंटी लॉग। तो आप एंटी लॉग टेबल पे आएंगे, एंटी लॉग टेबल पे है जिसमें कहां पर आप देखेंगे पॉइंट को, 0.1 पे देखेंगे आप, 0.1 पे 2, तो देखिएगा ये एंटी लॉग का टेबल ले रखा है मैंने, 0.1 पर मैं 2 पर आ गया, 0.1 पे 2 सेकंड पे, 0.1 पे 2 10/28, और उसके बाद मुझे जाना है कहां पर, 5 पे, तो इसी पर मुझे 5 पे जाना है, तो 1 तो 10/29, तो इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, 10/29, लिखने की जगह नहीं है, देखिएगा क्या वैल्यू आई, 10/29। क्लियर है जी, अब यहां पर पॉइंट 0 के बाद पॉइंट है ना, मतलब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 0 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जो भी होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ये, दिस वन। क्लियर है जी, समझे, तो 1.029, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो आई आ गया, क्लियर है जी, देन आई इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास में, 1 माइनस करते ही ये 0.029। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, डाउट है तो पूछ लो। और आपको पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं आप, ये आपका आई आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आई को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, पता लग जाएगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई क्या है 0.29, परसेंटेज में आ जाएगा ना आपका, आर इक्वल्स टू 2.9% आपका आ गया। क्लियर है जी, समझे इस बात को, वो उसका बहुत रेयर यूज होता है, बट मैं उस नेगेटिव एंटी लॉग की वैल्यू निकालना आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, पहले आप ये देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछो इसमें।
अब आपको इसी सवाल को किससे करना है, कॉन्टिन्यूसली मेथड से करना है, सेम क्वेश्चन। तो आपका वही 15-20 प्रिंसिपल, 15 एस क्या है, 20 है, और आपका टाइम क्या है, 10 साल है, और आपको अपना क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अपना बताना है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्टिन्यूसली में क्या करेंगे आप, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ई रेज टू पावर आर इंटू टी। तो आपके पास में एस क्या है, 20 है, प्रिंसिपल क्या है आपके पास में, 15 है, ई आर क्या आपके पास में पता नहीं, और टी क्या है, 10 है, तो 10 आर हो गया आपके पास में, 15 ई और 10 इंटू आर हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये 20/15 तो आप कर ही लीजिए, इक्वल्स टू क्या आया आपका, ई रेज टू पावर 10 आर हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो 4/3 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10 आर, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, लॉग 4/3 इक्वल्स टू लॉग लेंगे तो 10 आर लॉग ई, क्लियर है। तो यहां पर वही फिर लॉग 4 माइनस log 3, क्लियर है जी, बात समझे। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको तो आप लिख सकते हो ना, 10, और log e की वैल्यू क्या होती है, 0.4343, और इंटू आर हो गया ना, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 4 माइनस log 3 क्या होता है आपको पता है, पीछे वैल्यू रिप्लेस करा ना आपने, क्या होता है, 60 21 47 71, 60 21 47 71, 0.0 माइनस, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास में, 10, और इंटू 0.4343। तो क्या फर्क क्या पड़ता है फिर आपको इससे, आर निकाल सकते हो आप, ठीक है जी। जीरो पॉइंट सिक्स जीरो 21 माइनस 0.4771 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.4343। अब यहां पर क्या है मेरे पास में, 0.028 समथिंग कुछ आया है। खैर पॉइंट में मैं आर के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2.8% समथिंग। तो ये आपका ये रेट, अलग अलग रेट आएगा आपके पास में, क्लियर है जी, समझे। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। अब यही एक क्वेश्चन और आपके सामने, शायद लास्ट क्वेश्चन हो, हाँ जी। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली एट द एनुअल रेट ऑफ द 7%, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल पी टू ट्रिपल। भाई कॉन्टिन्यूसली की बात कर देगा तो हमें एस इक्वल्स टू क्या करना है, पी ई रेस टू पावर आर इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला है। और क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है, अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो गया। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट, आपको एन ईयर बताना है, आपको टी बताना है, दिस वन टी बताना है, यस वुड इट फॉर द प्रिंसिपल पी टू ट्रिपल, मतलब प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया, तो ट्रिपल मतलब पी 3P हो गया, जो पी था वो 3P हो गया, इंटू ई रेस टू पावर आर इंटू टी। आपके पास में आर तो है ही ना, आर कितना है आपके पास में बताइए, 7% है, तो 7% मतलब कि 0.07 इंटू टी, ठीक है जी। तो पी से तो पी आपका पहले तो आपका कट ही जाता है, तो 3 इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपके पास में, ई रेस टू पावर 0.07 इंटू टी, बोथ साइड टेकिंग लॉग लॉग 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.07 इंटू टी, क्लियर है जी, बात समझे। नीचे आ जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा आपका, लॉग ई, और आप सॉल्व करेंगे लॉग 3 की, तो 30 पे 0 देखना है ना आपको, क्या देखना है आपको, 30 पे 0, तो 30 पे 0 10/72,
जीरो पॉइंट, क्लियर है जी। और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, 0.07, और इनटू लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 0.43, एंड 43 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये नीचे आ गया, लॉग ई की वैल्यू नीचे आ गया, टी आ जाएगा ना आपके पास में। क्लियर है जी, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, सॉरी मैंने ना एंट्री लॉग में वैल्यू देख लिया आपका, ये 10.72 एंट्री लॉग में वैल्यू देख ली मैंने गलती से, टेबल में लॉग टेबल में देखना है मुझे, 30 पे 0। हाँ हाँ समझ गया मैं, 47.71 आएगा, मैंने एंट्री लॉग में देख लिया था। दिस वन, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू, तो टी आपके अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 ईयर्स आप एक अप्रोक्सीमेशन में आंसर देते हैं इसमें हमेशा जी। क्लियर है जी, डन। मैं आपके अदिति बात समझ नहीं पाया। अब देखिए, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट व्हाट एनुअल रेट विल बी अ प्रिंसिपल ऑफ पी डबल इन 10 ईयर, तो वही क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअसली वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू ई रेज टू पावर आर इनटू टी। अब आपके पास में अमाउंट डबल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2p प्रिंसिपल क्या है, पी और ई रेज टू पावर, सेम क्वेश्चन है आपके पास में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, और टाइम क्या है आपके पास में, टाइम आपके पास में 10 साल है, ठीक है। सॉल्व वही करेंगे, तो पी से पी आपका कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आर इंटू 10, और बोथ साइड क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, तो लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग यहां पर लेंगे, तो 10 इंटू आर इंटू लॉग ई हो जाएगा, ये लॉग लेंगे तो लॉग ई, और ये नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, लॉग 2, तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, 20 पे 0 देखना है हमें, तो लॉग की वैल्यू में 20 पे 0 देखना है, तो 20 पे 0 देखेंगे 30 10, 0.30 10, बहुत जरूरी है लॉग टेबल, क्लियर है। और ये 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 0.43 एंड 43, ये क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर, हो जाएगा भैया। अब छोटे छोटे सवाल हैं आपके, 10 नंबर का आपका आएगा, ये इस टॉपिक से ध्यान रखना, 10 नंबर का है आपका ये टॉपिक, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, छोटे छोटे सवाल, ऐसे बेसिक से सवाल, और कुछ नहीं होना है इसमें, क्लियर है जी, समझे। डन, चलिए आगे बढ़े। तो कल ये कुछ 1-2 सवाल हम करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे एक तरीके से पूरी तरीके से कल चेंज रेट वाले क्वेश्चंस को करेंगे हम, खैर कुछ खास है नहीं, अब इस बार 6% हुआ, फिर 8% हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, तब कैसे ट्रीट करेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। आज एक काम मैं आप लोगों के लिए मैसेज के रिप्लाई के लिए एक टाइम अलॉट कर दूंगा, जिसमें कि मैं आपका जो है मैसेज का रिप्लाई करूंगा, उस समय आप 1 घंटे के लिए, तो कोई टाइम हम देख लेंगे, उसमें मैं आपके डाउट्स और ये सब चीज़ें मैं लूंगा, ठीक है जी। आज इतना पढ़ो, ज़्यादा हो जाएगा ना फिर समस्या हो जाएगी, फिर सारा मिक्स हो जाएगा, बट रिविजन लेते रहो, बार बार क्लासेस को देखते रहो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैट्रिक्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डिटरमिनेंट्स यहाँ से भी 10 नंबर आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 सवाल पूछ लेते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका अभी तक तो आपका ये कंफर्म हो चुका है,
और आगे अभी हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बोनस वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, हम ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, डिस्काउंट वगैरह सब पढ़ेंगे उसके अंदर। तो खैर आसान चीज है लेकिन लेंथी है, बहुत लेंथी है। उसके बाद हम एलपीपी पढ़ेंगे इस यूनिट को कवर करने का, तभी तो समय है इसमें, इसमें समय है, इसमें शायद आपका पूरा, अभी तो 17, शायद आपका पूरा मार्च चला जाए इसमें, क्लियर है ना। अप्रैल में 15-20 तारीख तक हम अप्रैल के अंदर एलपीपीबी को फिनिश कर देंगे, 15 तारीख तक। अब उसके बाद मेरे पास में एक रहेगा, सबसे बड़ा यूनिट रहेगा, बट एक रहेगा। क्या क्या था कि अगर मैं यहां पर आपके कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर देता और वही मैं फिर चलाता रहता, हर किसी का तो वेटेज तो इक्वली है, और उसी को मैं चलाता रहता और उसी में पूरा आपको 2-2.5 महीने में उसमें दे देता, तो आप उसमें से कितना ही स्कोर कर लेते। तो पहले 3 यूनिट कर दिया ताकि सारे क्वेश्चंस आपके हो जाए, बस उसको फिर हम लास्ट में रन करेंगे उसको, ताकि हम कंप्लीट अप्रैल में बेसिक कैलकुलस को हम फिनिश कर दें, फिर एडवांस कैलकुलस पे आए और उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन पहले हमें अपने बाकी सारे यूनिट को फिनिश कर देंगे एक बड़े यूनिट में जाने के पीछे। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ बिल्कुल आप ले सकते हैं। मतलब बुक के मैं जेके ठेकेदार के सारे क्वेश्चन डाल ही देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं डाल ही दूंगा, बुक की तो नीड नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ लो, और आपको अगर कुछ सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए तो आप 10 ईयर सॉल्व करो। 10 ईयर बिजनेस मैथ्स की आ गई है मार्केट में, तो आप क्या करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ लो और 10 ईयर में से सवाल है ना उठा उठा के आप सॉल्व करो। जैसे मैट्रिक्स चैप्टर दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स के सॉल्व करो। सिर्फ 10 ईयर में सॉल्व करोगे ना, बिल्कुल एग्जाम ऑरियंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में बिल्कुल ठीक आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपको लगेगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आनी है, बिल्कुल मेरा करा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 ईयर से करें। तो जो करवा रहा हूं ये करके 10 ईयर से कर लो प्रैक्टिस, 10 ईयर में विद सॉल्यूशन है आंसर के साथ में आपका, कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर मैथमेटिक्स टू फाइनेंस में जो पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर लो। बता रहा हूं मैं आपको कि बिल्कुल आपका ऐसे प्रिपरेशन हो जाएगी ना, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।